नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको अनीमिया की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे खून में मौजूद लाल पेशी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सही से सप्लाई नहीं कर पाता। अनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसेमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एक अनीमिया की ट्रीटमेंट अपने कॉज की वजह से वेरी कर सकती है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए ज्यादातर आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। आयरन की सप्लीमेंट्स के साथ उन लोगों को विटामिन सी की भी सप्लीमेंट्स दी जाती है, क्योंकि विटामिन सी के कंजम्पशन से आयरन का शरीर में एब्जॉर्प्शन इंप्रूव किया जा सकता है। अगर किसी को बहुत सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो तो उन लोगों को आयरन के इंजेक्शंस भी लगवाए जा सकते हैं। अगर किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, जो ज्यादातर हैवी पीरियड्स में देखा जाता है, उसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा हो तो उन लोगों को ब्लीडिंग की साइट को आइडेंटिफाई कर इस ब्लीडिंग को स्टॉप करके ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दी जा सकती है। विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में ज्यादातर विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी नजर आती है। इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की सप्लीमेंट दी जाती है और डाइटरी मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए जाते हैं। अगर किसी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज में देखा जाता है, तो इन लोगों को विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, कुछ बड़ी बीमारियों में जैसे कि कैंसर में अनीमिया देखा जाता है। इस अनीमिया को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर अनीमिया बहुत सीवियर हो जाए तो इन लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया में अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस की तरह ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर अनीमिया बहुत सीवियर हो तो इन लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर और भी सीवियर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी के बोन मैरो में कोई बीमारी है तो उन लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जा सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया ज्यादातर कुछ दवाइयों की वजह से होता है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से खून टूटने लगता है, RBCs ब्रेक होने लगता है। अगर ये हीमोलाइटिक एनीमिया किसी स्पेसिफिक दवाई की वजह से हो रहा है तो ये दवाइयों को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सिकल सेल अनीमिया की ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी, पेन रिलीविंग ट्रीटमेंट या फिर सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों को फोलिक एसिड भी रेगुलरली दिया जाता है। थैलेसेमिया जैसी बीमारी में अगर सिम्टम्स माइल्ड हो, थैलेसेमिया माइनर हो, तो यूजुअली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर या फिर थैलेसीमिया के सिम्टम्स काफी सीवियर हो तो इन लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको अनीमिया के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो, जैसे कि अनीमिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो हमारा सिम्टम्स ऑफ अनीमिया वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को अनीमिया के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी की जाए इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। अनीमिया किस टाइप का है, किस वजह से हो रहा है, ये समझने के लिए आपके डॉक्टर आपको अलग अलग टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।